जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सरदल मैत्री संघ निदेशक, रोटरी क्लब मेवाड़ प्रेसिडेंट प्रेम मेनारिया। आज हम जॉइंट वेंचर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो इश्यू है, मुद्दा है, एक महीने तक हम लोग अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का जो आयोजन कर रहे हैं उसकी सूचना देना और हमारा क्या मोटिव है उसका हमने आप लोगों को बताना। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी समाज के एक उच्चतम वर्ग में जो समाज को एक सही आईना दिखाते हैं, आप सभी पत्रकारों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आप ही की वजह से आम पब्लिक के बीच में जो एक रिपोर्ट जाती है वो आप लोग ही हैं मार्गदर्शन, सच्चा आईना दिखाने वाले हैं। तो समाज में एक सबसे ऊपर के लेवल में आप लोग ही आते हैं हमारी निगाह में। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। सर्वधर्म मैत्री संघ और रोटरी मेवाड़ पिछले 11 साल से इंटर स्कूल पेट्रियोटिक कंपटीशन आयोजित करते आ रहे हैं। इस बार ये हम 12वीं प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। ये पूरे एक महीने तक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आयोजित करते हैं। इसमें हमारा यही रहता है कि बच्चों में, अभिभावकों में, अध्यापकों में एक मैसेज करवाना कि सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्म एक है, समभाव का मैसेज पहुंचाना। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि समाज में अलग अलग धर्मों के और अलग अलग समाज के आपस में बांट दिया गया है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म, धर्म का नाम केवल एक वर्ड है, प्रेम, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। संघ और रोटरी क्लब मेवाड़, रोटरी क्लब मेवाड़ हमारे को स्पॉन्सर करता है। जितने सर्टिफिकेट, कम से कम हमारे सर्टिफिकेट 3 से 4 हज़ार सर्टिफिकेट लगते हैं, मोमेंटोस लगते हैं, और फिनाले का जो प्रोग्राम होता है सुपर रंगमंच, उसका पूरा खर्चा रोटरी मेवाड़ उठाता है। तो टोटल फाइनेंस का काम हमारे रोटरी क्लब मेवाड़ करता है, इसलिए हम कहीं से भी 1 रुपये किसी से नहीं लेते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे रोटरी क्लब मेवाड़ को भी कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तो इसी तरीके जो हमने लिस्ट आपको दिए कि कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे वो हमने आपको दिया है, और इसी दौरान हम एक प्रोग्राम सेंट्रल जेल में जाके भी करते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य। वहाँ पूरा रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, जो इन कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जैसे डांस कंपटीशन फर्स्ट, सॉन्ग कंपटीशन फर्स्ट, मोनो एक्टिंग में फर्स्ट, कविता में फर्स्ट, उन बच्चों को वहाँ सेंट्रल जेल में ले जाकर उनकी परफॉर्मेंस वहाँ दिलवाई जाती है। तो वो एक बड़ा ही जोरदार प्रोग्राम होता है रंगारंग कार्यक्रम जेल के कैदियों के लिए। और रोटरी क्लब की तरफ से वहाँ मिठाई और समोसा कचौरी वहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे निदेशक फादर नॉर्बर्ट से भी चाहूँगा कि वो भी कुछ इस तरह का प्रकाश डाले, और फिर आपके जो भी प्रश्न उत्तरी या जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये देशभक्ति का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को एक मंच दिलाना और उनकी जो प्रतिभाएं हैं और उनको निखार करके उनके जीवन में जो संस्कार हैं, एकता, प्रेम, शांति, जो हम मैत्री संघ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और 11 साल का मेरा ये अनुभव रहा है कि बच्चों में जो जोश होता है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं जो ज़िंदगी से जुड़े हैं, आजकल जो हमारे जो विषय हैं पर्यावरण हैं, कैसे पेड़ लगा सकते हैं, कैसे हमारे पृथ्वी से, हमारी प्रकृति से हम जुड़ सकते हैं, ज़मीन से कैसे जुड़ सकते हैं, लोगों से कैसा रिश्ता बना करके हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह के विषय हमने लिए हैं, तो अपने देश में आगे बढ़ने के लिए किस तरह के दर्शन की ज़रूरत है, उन सब मुद्दों को लेकर हम इन बच्चों के माध्यम से कार्यक्रम विगत 11 साल से करते रहा रहे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि उदयपुर मीडिया ने, उदयपुर के लोगों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ से हमें ये सहयोग मिल रहा है। इसलिए अलग अलग स्कूल्स में हम बच्चों को ला करके वहाँ कार्यक्रम करते हैं, तो उनका बच्चों का भी एक जीवन है, उनके भी जो दायरे हैं वो खुलते हैं। एक दूसरे स्कूल में जाकर अपना परफॉर्मेंस देना, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे एक मंच पर आना,
तो एक अपने आप में एक निराली सी बात है। तो ये एक देश को आगे बढ़ाने का ये मुद्दा है, ये बच्चों से यदि हम शुरुआत करें तो आगे बढ़कर वो भाईचारा मोहब्बत हमारे प्रेसिडेंट संदीप जी ने जो बात की है उसको एक आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रेम मेनारिया साहब बैठे हैं, हमारे सचिव साहब बैठे हैं रोटरी क्लब के, और हम लोगों ने पिछले दिनों यही मुद्दा सामने रखा कि हम किस तरह से न केवल इन बच्चों को बल्कि उनके बच्चों के अभिभावकों को कैसे हमारे प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। तो उनके माता पिता भी देखते हैं, हमारे शहर के लोग भी अलग अलग जो स्थान वेन्यूज दिए हैं इन कार्यक्रमों में वो शरीक होते हैं, अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, शहर के लोग हैं। तो इस तरह से हम उदयपुर का ये एक पहले से ही एक इतिहास रहा है कि हम एक साथ मिलजुल कर भाईचारे में प्रेम मोहब्बत में कैसे हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकेंगे और हमारे जो देश के निर्माण में राष्ट्र के को आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकेंगे। धन्यवाद फादर। अब मैं रोटरी मेवाड के प्रेसिडेंट प्रेम जी मेनारे से भी अपने विचार जानना चाहेंगे कि दो शब्द अभी पधारे वो पत्रकार महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि फादर नोबर्ट ने बताया और संदीप जी ने बताया है कि मेन उद्देश्य जो है सर्वधर्म मैत्री संघ का कि प्रतिभाओं को, स्थानीय प्रतिभाओं को ऊपर लाना, उनकी एक जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे देश की, जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन चीज़ों को लेकर के, उन एक्ट को लेकर के बच्चों को, बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना, बच्चों को इंकरेज करना एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर्वधर्म मैत्री संघ। उनका एम आपको पता ही है, बताया जैसा फादर ने कि सभी समाज को, समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेके चलना है। उसके साथ साथ जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है सभी स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं सब स्कूल्स के बच्चों को लेकर एक्टिविटीज़ करते हैं निःशुल्क है वो, और उन बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म मिले, उनको आगे मंच मिले, वो कोशिश रहती है सर्वधर्म मैत्री संघ की। रोटरी मेवाड़ का भी यही एक मकसद है कि समाज की सेवा के लिए रोटरी हमेशा तत्पर रहता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज में जो भी पिछड़ापन है बच्चों को लेकर के, स्कूल को लेकर के, जैसा कि रोटरी मेवाड़ शुरू से करता आ रहा है, वाटर ATM प्रोजेक्ट्स हमारे रेगुलर चल रहे हैं, कहीं आपने देखे होंगे रोटरी मेवाड़ के वाटर ATM लगे हुए हैं। यही चीज़ के साथ में जैसे सारी बात आपने फादर ने बताई है कि ये जो इंटर स्कूल कंपटीशन करते हैं उसका मकसद भी एक ही, आज जैसे आज का जो कंपटीशन था एक छोटे छोटे मुद्दे हैं, समस्याएं बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चे अपने एक्ट में आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। इंटर स्कूल जो कंपटीशन होता है बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, और हम उनके सामने एक ही चीज़ रखना चाहते हैं कि जो हमारी ज्वलंत समस्या है, बेटी बचाओ, बहुत सी बातें हैं जो आपको सबको पता है और आप सब लोग अपने पत्र, अखबार और न्यूज़ के माध्यम से समस्याओं को लाते रहते हैं, आप सरकार को भी इस बारे में अवगत कराते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि टेररिज्म को लेकर आज बच्चों ने अच्छे से ऐसे एक्ट करके दिखाए, उन लोगों को, उन बच्चों के एक्ट को देख के लगता है नहीं आज की जनरेशन अवेयरनेस आ रही है, और हम हमारी कोशिश ही यही है कि अवेयरनेस आए, बच्चों में अवेयरनेस आए, और साथ में जो सर्वधर्म मैत्री संघ का संदेश जाता है कि संभव सब एक मिलजुल के साथ में रहें, ये हमारा मोटो है। रोटरी हमेशा सर्वधर्म मैत्री संघ के साथ में ये करता आया है। 15 अगस्त जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एक हम फ्लैग का जो प्रोग्राम करते हैं केंद्रीय कारागार में, उसमें भी मकसद हमारा यही रहता है, ये जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं सभी एक्ट में, इन बच्चों को ले जाके वहाँ जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हमारा वहाँ पर भी एक ही मकसद रहता है कि वहाँ जो कैदीज हैं उनके मन में भी वो समाज में वापस इन्वॉल्व हो सके, वो विचार उनके अंदर लेके आते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि वो वापस जब उस अपने अपनी सजा को काट के बाहर आए तो उनके मन में समाज के प्रति संभाव और एक अच्छी विचारधारा हो, ये हमारा मकसद रहता है। सर्वधर्म मैत्री संघ के प्रेसिडेंट संदीप सिंगटवाड़िया, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
आज हम विशेष करके एक बात जो आपको बताना चाह रहे हैं, सर्वधर्म मैत्री संघ और रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ दोनों साथ मिलकर के इंटर स्कूल पेट्रियोटिक कंपटीशन का आयोजन कर रहा है। ये कंपटीशन एक माह तक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लिए सभी स्कूलों के लिए चलेगा। इस कंपटीशन में करीब 100 के लगभग स्कूल भाग ले रहे हैं और इसका जो फायदा पहुंचेगा, करीब 10,000 स्टूडेंट इसका फ़ायदा लेंगे। वो ऐसे है कि ये कंपटीशन हम हर स्कूल में जा जा के करते हैं और हर स्कूल अपनी व्यवस्था करता है, हमें वहाँ अपनी जगह प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमारे इस कंपटीशन से 10,000 बच्चे डायरेक्ट जुड़ते हैं और ये कंपटीशन निःशुल्क होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो स्पॉन्सरशिप है पूरा रोटरी क्लब मेवाड़, वो हमें पूरा स्पॉन्सर करता है। बच्चों को सर्टिफिकेट देना, बच्चों को मोमेंटोस देना, जितने बच्चे भाग ले रहे हैं उन सभी को सर्टिफिकेट प्रदान करना, तो करीब 10,000 सर्टिफिकेट्स वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरह से जो कंपटीशन चल रहा है, पिछले 11 साल से चल रहा है, ये अभी इस साल हमारा 12वां कंपटीशन है। इसके पीछे हमारा यही है कि जो सर्वधर्म समभाव, हर धर्मों के बीच में एक मैत्री भाव समभाव उत्पन्न करना, क्योंकि हमारा जो मकसद था पिछले 11 साल से हम ये कंपटीशन कर रहे हैं कि आज की जनरेशन को बदलना बहुत इम्पॉसिबल है। तो हमने ये विचार आया और हमारे ग्रुप में कि क्यों ना हम आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। तो इसी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हमने स्कूल लेवल के प्रोग्राम को साथ जोड़ा है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम संभाल सकें और उनको सुधार सकें और उनको समझा सकें कि ये धर्म क्या होता है, क्योंकि धर्म है एक समाज के लोगों को बांट दिया गया, तुम इस धर्म के तुम उस धर्म के, जबकि कोई मतलब नहीं है। धर्म केवल प्यार मोहब्बत इंसानियत है, मानवता का धर्म है। उन आने वाली पीढ़ी को हमें यही समझाना, इसीलिए हमने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया ये प्रोग्राम और आज उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। आज 11 साल हो गए, आज हमारे यहाँ के जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके जाते हैं जीतते हैं, उनको फर्स्ट प्रिफरेंस मिलता है कहीं पर जॉब करने जाते हैं, कि आज ये बच्चा उदयपुर लेवल तक डिस्ट्रिक्ट का जीता हुआ है, वो बच्चा आगे स्टेट में भी जाता है, वो बच्चा आगे नेशनल लेवल तक भी जा रहा है। तो इस कंपटीशन का यहाँ तक इतना मान्य है कि उतना वैल्यू है उस सर्टिफिकेट का कि आज कहीं पे भी प्रिफरेंस मिलती है उसको सर्टिफिकेट जॉब करते ही 5% एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा उसको मार्क्स काउंट किए जाते हैं। और